चायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट पर पुलिस ने वाहन चेक के दौरान एक ट्रक में भारी मात्रा से अंग्रेजी शराब बरामद की। शराब ट्रक पर लदे प्याज के नीचे रखा हुआ था, जिसे कुचायकोट थाना के पुलिस ने बरामद करते हुए तीन तस्करों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वह उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि कुचायकोट थाना क्षेत्र के बीच एक पोस्ट पर कुचायकोट थाना पुलिस द्वारा वाहनों की जाँच की जा रही थी। ट्रक की जब तलाशी ली गई तो उसमें रखे प्याज के बोरी के नीचे करीब 275 कार्टून शराब बरामद की गई। बरामद शराब की कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। सदर SDPO संजीव कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि यूपी लखनऊ से ट्रक द्वारा भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब मुजफ्फरपुर ले जाया जा रहा है। पुलिस कुचायकोट थाने की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। काफ़ी दिनों के बाद इतना बड़ा रैकेट और शराब का पकड़ा गया है। प्याज जिसमें प्याज के नीचे शराब कार्टूनों में लोड था। और सबसे बड़ी बात यह है कि थानाध्यक्ष ने अपनी बुद्धिमत्ता से काफ़ी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए ट्रक चालक को तो पकड़ा ही पकड़ा, इसके जो लाइनर थे उनको भी पकड़ा, और जो ट्रक के मालिक थे महुआ हाजीपुर के रहने वाले उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। तो इस तरह से पूरा का पूरा सिंडिकेट अब जो बैकवर्ड लीकेज है उस पर काम होगा। हमको लगता है कि हम बहुत बड़ी उपलब्धि गोपालगंज पुलिस और को होने वाली है। पुलिस अधीक्षक सर के निर्देशानुसार जो व्यूह रचना बनाई गई है शराब के लिए उस पर काम करते हुए काफी सफलता प्राप्त हो रही है। सर कहाँ जा रहा था शराब? ये हरियाणा से आ रही थी और हाजीपुर तक जाना था इसको। जैसा कि सर पे पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली थी उसके मुताबिक कार्रवाई की गई। लगभग कितने का शराब होगा सर? अब ये पूरी तरह तो आज चुनाव के कारण सभी को चुनाव में व्यस्त है, फिर भी कम से कम 30 लाख के आसपास की शराब है। कितने गिरफ्तार हुए सर? अभी 3 आदमी की।